तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीटीवी के शो रब से है दुआ के बारे में। तो रब से है दुआ सीरियल को दोस्तों एक साल से भी ज्यादा हो गया है और जिसके चलते इसने अपना एक अच्छा सा लॉयल फैन बेस बना लिया है। करणवीर शर्मा, आदित्य शर्मा और ऋचा राठौर के इस शो ने पिछले साल ही नवम्बर में 1 ईयर कम्प्लीट किया है और लगातार अभी भी इस शो को उसके लॉयल फैन बेस से प्यार मिल रहा है। वैसे इन सभी चीजों के बीच रब से है दुआ सीरियल से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और वो ये है कि रब से है दुआ सीरियल में जल्द ही जनरेशन लीप मेकर से लेकर आने वाले हैं। वेल गाइज, एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रब से है दुआ के मेकर्स जीटीवी के शो में जनरेशन लीप लाकर उसे रिवैम्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। पिंक विला की रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही शो में लीप आएगा, जिसके बाद शो को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यू एक्टर को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, रब से है दुआ के मेकर्स ने पहले ही एक पॉपुलर टीवी स्टार को शामिल कर लिया है जो कि करणवीर शर्मा की जगह एज अ न्यू हीरो काम कर सकता है। वेल, हम धीरज धुप्पर की बात कर रहे हैं जो कि जीटीवी के कुंडली भाग के शो में पहले लीड रोल प्ले करते देखे जा चुके हैं। कुंडली भाग के सीरियल में दोस्तों धीरज धुप्पर ने करण का जो किरदार निभाया था उसे लोगों ने काफी पसंद किया था। साथ ही इनको आखिरी बार अभी स्टार भारत के शो सौभाग्यवती भव सीजन 2 में भी देखा गया था। वैसे इस शो के लिए दोस्तों धीरज धुप्पर को ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो इसलिए अभी भी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है लीड रोल प्ले करने के लिए।